थोड़ी सी मिट्टी और इन पौधों की लटकती हुई जड़ें, यानी कम मिट्टी में ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें हवा में लटकी हुई होती हैं, झूलती हुई होती हैं, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी कटिंग थोड़ी सी मिट्टी में ही आराम से लग जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं कटिंग लगा रही हूँ और बहुत सारे ऐसे पौधे दिखाऊँगी आपको जिनकी कटिंग इन छोटे छोटे डब्बों में लगाना बेहद ही आसान होता है। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहला जो प्लांट है ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट को ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, ना ही ज़्यादा बड़े पॉट की आवश्यकता होती है। इसमें ऐसी रूट्स झूलती हुई होती हैं, यानी इसमें ऐसे नोड एरिया होते हैं, वहाँ से रूट्स निकलती रहती हैं। तो इनको आप कट करके थोड़ी सी मिट्टी में ही दबा देते हैं तो ये आराम से लग जाते हैं। इनकी कटिंग लगाना बेहद ही आसान होता है। तो आज मैं बहुत सारे पौधों की कटिंग लगा रही हूँ, आप देखना मैं कौन कौन से पौधों की कटिंग लगाऊंगी और किन चीज़ों में लगाऊंगी, यानी थोड़ी सी मिट्टी में ही इनको मैं लगाने वाली हूँ और वेस्ट में ही लगाऊंगी। दूसरा जो प्लांट है ये है वांडरिंग जू। वांडरिंग जू में भी छोटे छोटे नोड एरिया होते हैं, वहाँ से रूट्स बनती रहती हैं। तो इसको भी ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ी सी मिट्टी ही इसको चाहिए होती है। अगर हैंगिंग बास्केट में इसको लगाते हैं तो ये जो जड़ें होती हैं इस प्लांट की ऐसे झूलती रहती हैं और झूलते हुए बहुत ही मस्त भी लगती हैं। तो इन जड़ों को आप कट कर लें और कट करके थोड़ा सा ही मिट्टी में दबा दें। फिर नेक्स्ट जो प्लांट है ये है अपना पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट में भी नोड एरिया होते हैं और नोड एरिया को हम कट करके वहाँ से अगर थोड़ा सा ही मिट्टी में दबा देते हैं, थोड़ी सी मिट्टी में दबा देते हैं तो उसमें भी रूट्स निकल आती हैं। तो ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट है, कटिंग से आसानी से लग जाता है। फिर नेक्स्ट प्लांट है ये अपना फाइकस। फाइकस देख रहे हो, इसमें रूट्स ऊपर तक बनी हुई होती हैं। अगर आप जहाँ से रूट्स निकली हुई हैं वहाँ से कट करके अगर मिट्टी में दबा देंगे तो ये प्लांट भी आराम से लग जाता है। तो इसकी भी मैं कटिंग लगाने वाली हूँ। वैसे तो मैंने ये कटिंग से एक छोटा सा प्लांट तैयार भी कर लिया है। तो आप देख रहे हो ये बोनसाई भी आप बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी रूट्स ऐसे लटकी हुई होती हैं। तो मैं यहाँ से एक छोटी सी कटिंग ले लेती हूँ। ये वाली कटिंग मैंने ली है और ये वाली कटिंग मैंने काफ़ी दिन पहले लगाई थी। आप देख रहे हो छोटी सी बोतल में लग जाती है, यानी इसको ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। और ये मैंने चंपा की कटिंग लगाई थी, ये मेरी कटिंग लग चुकी है। तो छोटी सी कटिंग मैं कहीं से ले कर आई थी। अब ये देखो, अगे नेक्स्ट सर्दियों में हमें फ्लावरिंग चाहिए, तो फ्लावरिंग चाहिए तो इसकी कटिंग तो हमें लगानी ही पड़ेगी। अभी का बेस्ट मौसम है और इसमें भी छोटे छोटे ऐसे नोड एरिया होते हैं। और ये वाला जो प्लांट है ये कालांचो, ये तो पत्ती से भी लग जाता है। तो ये स्नेक प्लांट हो गया। बहुत सारी कटिंग मैंने ले ली है और कटिंग लगाते हुए मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे लगा रही हूँ और मैंने कौन कौन सी कटिंग ली है, कुछ ही कटिंग मैंने दिखाई है। फिर नेक्स्ट ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन की में भी ऐसे नोड एरिया होते हैं, इनमें भी रूट्स ऐसे निकली हुई होती हैं। हैंगिंग बास्केट में तो ये लटके भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इनको भी बस थोड़ी सी मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये वाली जो वाइन होती है अगर ऊपर गमले में कहीं गिर जाती है तो अपने आप ही लग जाती है। देखो मैंने छोटी छोटी कटिंग इसमें लगाई थी और ये दो टायर में मेरी कटिंग लगी हुई है, काफ़ी घनी फैली पड़ी है। देखो इसमें रूट्स बहुत सारे निकली हुई हैं। और ये जो वाइन है, टर्टल वाइन है, ऐसे ही अगर कहीं दूसरे गमले में ऐसे गिर जाती है तो अपने आप ही लग जाती है। तो देखो कितनी सारी फैली पड़ी है। अगर मैं कटिंग लगाने चाहूँ तो इसकी लगा सकती हूँ। और ये जो है ये वांडरिंग जो है ये भी मैंने छोटे से डब्बे में ही लगाया हुआ है, तो इसकी मैं कटिंग ले रही हूँ। ये दूसरे डब्बे मैंने तैयार किए हैं, यानी प्लांटर तैयार किए हैं इन डब्बों से ही। कल मैंने वीडियो में दिखाया भी था तो उन्हीं में मैं कटिंग लगाऊंगी। यानी थोड़ी थोड़ी मिट्टी में इन पौधों की कटिंग लग जाती है, जैसे मनी प्लांट की हो गई, वांडरिंग जो की हो गई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन पौधों की कटिंग लगाने के लिए मैंने ये प्लांटर तैयार किए हैं और कल वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया है। तो ये वाले जो प्लांटर है ये मेरे फ्री के ही बन गए हैं। पेंट मेरे पास पहले से रखा था, मैंने मार्केट से नहीं ख़रीदा है और मैंने येलो पेंट करके ऐसा मैंने इनको फेस दे दिया। मार्कर मेरे पास पहले ही रखे थे तो अभी मैं इनमें ही कटिंग लगाऊंगी। तो इनमें थोड़ी सी मिट्टी आती है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के मैं इनमें सभी की कटिंग लगा दूँगी। छेद मैंने कर लिए हैं, छेद आपको सही से करने हैं क्योंकि मॉनसून सीजन है। तो इसमें जब भी आप प्लांट लगाएं तो प्लांटर में छेद अच्छे से कर लें। और ये वाली जो मिट्टी है ये मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के इसी में मैं ये सभी कटिंग को लगा दूंगी। तो आप देखना, और भी प्लांट मैंने लिए हैं तो बहुत सारे प्लांट की कटिंग मैं लगाने वाली हूँ। सबसे पहला जो प्लांट है ये मनी प्लांट, आपके साथ शेयर किया था कहाँ से मैंने इसकी कटिंग ली है। तो नीचे मेरा गार्डन है, उसी गार्डन से मैं इन पौधों की कटिंग लेके आई हूँ। और यहाँ टेरेस पे भी छोटा सा गार्डन है, नीचे भी छोटा सा बालकनी गार्डन है। तो मनी प्लांट को लगाने के लिए आपको नोड एरिया से कट करने होते हैं जहाँ से ये रूट्स निकली हुई होती हैं,
और इन रूट्स को ही सिर्फ आपको मिट्टी में दबाना होता है, तो आपको ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है इन पौधों के लिए। तभी तो कह रही कि थोड़ी सी मिट्टी इन रूट्स को दे दो और आप ग्रोथ देखना, क्योंकि अभी का जो मॉनसून सीजन है वो बेस्ट सीजन है। तो मनी प्लांट को अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं थोड़ी सी मिट्टी डाल के, तो भी आराम से चल जाता है और लटकता हुआ झूलता हुआ हैंगिंग बास्केट बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं आपको दिखाती ही रहती हूँ मेरे जो बोटल्स के हैंगिंग प्लांटर जो मैंने दीवार पे हैंग किए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर करें। दूसरा प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पर्पल हार्ट। तो पर्पल हार्ट में भी नोड एरिया होते हैं, 2 इंच तक आपको दबाना होता है, पत्ते को हटाओ और उस नोड एरिया को आप दबा दो मिट्टी में। इसकी जो कटिंग है बिल्कुल ही आसानी से लग जाती है, कम पानी में चलने वाला परमानेंट प्लांट है, तो कटिंग मैं इसलिए लगाती रहती हूँ ताकि अगर मेरे से कोई लेके जाता है गांव से या इधर उधर से कोई भी फ्रेंड लेके जाता है तो उनको मैं कटिंग दे सकूँ, क्योंकि कटिंग से ही बहुत सारे प्लांट हम बना सकते हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने ये लगा दिया है। अभी फ्रेंड्स मैंने स्नेक प्लांट लगाया है, स्नेक प्लांट की कटिंग लेके आई थी वो भी लगा दिया है मैंने, और मैंने ये जो जेड प्लांट है ये भी लगा दिया है मैंने, कलांचो भी लगा दिया, पर्पल हार्ट, मनी प्लांट, वांडरिंग जूस सभी को मैंने लगा दिया है। अभी नेक्स्ट जो प्लांट है ये है अपना ये स्पाइडर प्लांट। तो इसकी भी जो जड़ें होती हैं वो हवा में झूलती रहती हैं, जो बड़ा प्लांट होता है उसके जो रनर निकलते हैं वही रनर मैंने इन छोटे छोटे डब्बों में लगाया हुआ है। इनको भी ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, आप देख रहे हैं वेस्ट में ही लगे हुए हैं। और ये वाले जो रनर हैं जो छोटे छोटे बेबी प्लांट हैं मेरे फ्री के ही फ्रेंड ने दिए थे। फिर नेक्स्ट जो प्लांट है ये है सिंगोनियम। तो सिंगोनियम भी बहुत ही प्यारा प्लांट है, इसको भी बस थोड़ी सी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसमें भी रूट्स ऐसे निकली हुई होती हैं जैसे मनी प्लांट में होते हैं नोड एरिया वैसे, और इसमें देखो ये इतनी सारी रूट्स आई हुई हैं, तो ये भी बहुत ही प्यारे लगती हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो मस्त लगता है ये वाला प्लांट। इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं, रूट्स को थोड़ी सी मिट्टी दे दो तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्यारा लगेगा। तो मैंने 4 प्लांट इसके बना लिए हैं, तो मैं इसकी कटिंग नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्लांट है। तो इसकी जो पत्तियां हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत होती है, और इंडोर वाला प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। ये देखिए ये छोटी सी मटकी में थोड़ी सी मिट्टी है, तो कम मिट्टी में भी आराम से लग जाता। तो ये देखिए फ्रेंड्स सभी कटिंग को मैंने इन वेस्ट डब्बों में लगा दिया है और सभी मेरी कटिंग लग चुकी हैं। जिन प्लांट्स की रूट्स निकल आती हैं उनको तो बिल्कुल ही थोड़े से मिट्टी की आवश्यकता होती है, आप छोटे छोटे कप में भी उनको लगा सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा कटिंग भी लगाई है, जैसे स्नेक प्लांट हो गया, कलांचो हो गया, पर्पल हार्ट हो गया, इनकी मैंने कटिंग लगा दी है। तो देखो फ्रेंड्स आप भी ऐसे कटिंग लगा सकते हैं, ऐसे प्लांटर तैयार कर सकते हैं, और कम मिट्टी में चलने वाले बहुत सारे और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं, मैंने तो वहीं दिखाए हैं जो मेरे को कटिंग लगानी थी। तो फ्रेंड्स अभी अंधेरा हो चुका है, आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट ये मेरे प्लांटर हैं और अभी एक मॉर्निंग का व्यू भी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये है मॉर्निंग का व्यू, आप देख रहे हो गुड़हल का कितना प्यारा फ्लावर आया है, बहुत सारे बर्ड्स इसमें आए हुए हैं। और ये है मेरा गार्डन, और इसमें आपको जो मैंने शाम को कटिंग लगाई थी वो भी दिखेगी। तो ये मेरा जेड का कलेक्शन है, और ये देखो धूप भी अच्छी आई हुई है, और इन डब्बों में मैंने कटिंग लगाई थी, और ये फ्लावरिंग अभी देखो कितनी सुंदर है, मैक्सिकन पिटोनिया इसका नाम है, ये जीनिया का फ्लावर है, काफ़ी दिनों तक खिला रहता है। और ये वाले जो मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर हैं ये खिल के मुरझा से भी गए हैं क्योंकि धूप तेज़ हो चुकी है और 10 बजे का टाइम है। और ये सभी मेरे यहाँ प्लांटर रखे हुए हैं जो मैंने ऐसे ही वेस्ट चीज़ों से बनाए हुए हैं, डब्बों से, तेल के डब्बे हो गए, टॉफ़ी के डब्बे हो गए, प्लास्टिक बोतल हो गई, कोल्ड ड्रिंक बोतल हो गई, ये हार्पिक की बोतल हो गई, छोटी छोटी बोतलों का भी मैं ऐसे यूज कर लेती हूँ, पाइप के टुकड़े मैंने लगा रखे हैं, इनमें भी मोस्ट रोज की देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स आप ऐसे कबाड़ से जुगाड़ करके अपना गार्डन तैयार कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं, कटिंग लगाएंगे तभी आपके पास ढेरों प्लांट होएंगे। तो कटिंग लगाने का बेस्ट मौसम है, थोड़ी सी मिट्टी में ही बहुत सारे प्लांट की कटिंग लग जाती है, जैसे मोस्ट रोज हो गया, बोटल्स में भी आराम से लग जाता है। और ये सभी जो मेरे प्लांट आप देख रहे हो ये विनका वाले, ये सभी बोतलों में ही लगे हुए हैं। तो ऐसे वेस्ट का आप यूज कर
अपना गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले वीडियो में आपको प्लांटर बना के तैयार करके दिखाए जो टॉफ़ी के डब्बे थे, और इसमें मैं आपको कटिंग लगा के दिखाई है, थोड़ा सा अपने गार्डन का ओवरव्यू भी दिखा दिया है। तो ये वाला फ्लावर देख रहे हो, इसमें दो कलर है, वाइट और पिंक, और ये विन का तो अपने आप ही निकल आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा गार्डन है और इसमें मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी भी करती रहती हूँ, वेस्ट का यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा पेंट वेंट करके, थोड़ा सा कलर करके। तो आप ऐसे भी प्लांटर तैयार कर सकते हैं, जगह की कमी है तो आप दीवार पे हैंग कर लो। तो फ्रेंड्स देखो, ये मेरा गार्डन है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।